चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन में ये आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले देख लेते रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट बोला प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड डिटरमाइन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालना है। अब देखिए सर इसमें आगे क्या क्या चीज गिवेन है। तो यहाँ पे बोला आर एस टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अप्रैल 1, 2019। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 49,21,875। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020 एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 आर गिवेन मिलो। तो हम लोग के पास दे रखा हुआ पिछले साल का भी प्लस में एस्टिमेटेड जो अगले साल लगने वाला है वो भी हम लोग के पास एक्सपेंडिचर गिवेन है। ये हम लोग के पास रहा एक्चुअल का और ये रहा हम लोग के पास एस्टिमेटेड जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर डेट इज 6 मंथ का, नेक्स्ट जो 6 मंथ का होगा वो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ है। यहाँ पे मटेरियल इशू दे रखा हुआ, फिर यहाँ पे वेजेस पेड, फिर प्रीपेड, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे प्लांट परचेज दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे पेड प्रीपेड और यहाँ पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में, फिर प्लांट जो रिटर्न हो गया स्टोर में जो हम लोग के पास यहाँ पे 1 लाख का दे रखा हुआ है ऑन September 30, 2019 और उसके बाद यहाँ पे ऑन September 30 और 2020 ये गिवन है। फिर हम लोग के पास वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना कैश रिसीव हुआ और मटेरियल साइट पे कितना बच चुका है ये भी गिवन है। फिर यहाँ पे क्या बोला कि प्लांट इज सब्जेक्टेड टू एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 25% ऑन रिटेन्ड ऑन वैल्यू। तो हमको रिटेन्ड ऑन वैल्यू पर प्लांट में क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कम्प्लीटेड ऑन September 30, 2020। तो September 30 को कंप्लीट हो रहा है मतलब नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। और इससे हम लोग को बनाना है क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और उसके बाद हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे क्वेश्चन नंबर 3 किए थे उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आ जाइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर और जो लास्ट क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो आ जाइए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं जो 2019 के लिए बनाते हैं 1920 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल दे रखा हुआ, तो यहाँ पे लिखे टू मटेरियल इशूड जो कितना दे रखा हुआ उनके पास, तो ये दे रखा हुआ है 7,76,250। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7,76,250। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस पेड में दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखे टू वेजेस जो कितना दे रखा हुआ है 5,17,500। तो यहाँ पे 5,17,500 यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ 5,17,500 का हम लोग के पास वेजेस पेड दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास प्रीपेड दे रखा हुआ है, प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे प्रीपेड जो कितना दे रखा हुआ 37,500, प्रीपेड जो भी है होता है उसे हम लोग माइनस करते हैं 37,500। उसके बाद हम लोग के पास ऑटेस्टिंग भी दे रखा हुआ, तो ऑटेस्टिंग को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऑटेस्टिंग को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऑटेस्टिंग मतलब इस ईयर का था बट पेमेंट नहीं हुआ, प्रीपेड का मतलब अगले साल का जो था वो हम लोग इस साल में पेमेंट कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया, तो 517,500 इसमें ऐड करेंगे 37,500। फिर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं 37,500 को, फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कितना 12,000 को। तो हम लोग के पास कितना आ गया 492,000 का एंड 500 का हम लोग के पास क्या चुका है 12,500 का। तो 492,500 का हम लोग के पास आ चुका है वेजेस, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग के पास प्लांट का दे रखा हुआ 4 लाख का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू प्लांट जो कितने का दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास प्लांट दे रखा हुआ 4 लाख का। तो यहाँ पे 4 लाख का प्लांट लिख चुके। इसके बाद हम लोग के पास एक्सपेंस के बारे में दे रखा हुआ, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू एक्सपेंस और एक्सपेंस को मैं भी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। जहाँ पे पेड कितने का है 225,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 225,000 का पेड था जिसमें से ऑटेस्टिंग था 25,000 का। तो ऑटेस्टिंग को हम लोग ऐड करते हैं इस साल का होता है और प्रीपेड को हम लोग माइनस करते हैं जो अगले साल का होता है जो कितना है 15,000। तो 15,000 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कितना होता है, तो 225,000 प्लस 25,000 फिर माइनस करेंगे हम लोग 15,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 235,000 का। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा कि प्लांट जो था रिटर्न हो गया कब ऑन September 30, 2019। तो September 30, 2019 को यहाँ पे प्लांट रिटर्न हो चुका है जो 1 लाख वैल्यू का हिस्टोरिकल कॉस्ट का 1 लाख मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले 1 लाख के ये मतलब क्या हो गया था रिटर्न हो गया था। तो चलिए हम लोग प्लांट का कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट जो रिटर्न हो गया उस प्लांट का। तो देखिए इसका 1 लाख तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा जो वैल्यू था हिस्टोरिकल वो हो जाएगा, इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे जो यहाँ पे 1 लाख का हो जाएगा कितना परसेंट था
डेप्रिसिएशन का रेट, हम लोग का डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे दे रखा था 25% का, तो हम लोग लिखेंगे 25% जो कितना मंथ्स के बाद यहाँ पे कब यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, तो ये रिटर्न हो चुका है September 30, 2019, मतलब कितने मंथ्स के बाद यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो 6 मंथ्स के बाद, तो इंटू 6 / 12 हम लोग कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या जाएगा डेप्रिसिएशन इसका आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 1 लाख का 25% जो पूरे साल भर का था, हम लोग को 6 मंथ्स का ही चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो 12,500 का, तो जो रिटर्न हुआ वाला जो वैल्यू हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो 1 लाख हम लोग में से माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो इसका वैल्यू हो जाएगा WDP वो कितना हो जाएगा 87,500। एक बार फिर से, लैंड जो परचेज करके हुआ होता है उसे हम लोग लेते हैं डेबिट साइड में, जो WDP होता है उसे क्रेडिट साइड में। WDP कैसे निकाल देता है, तो जो भी प्लान का वैल्यू होता है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, ये तो प्लांट रिटर्न वाला था, और बचा हुआ जो प्लांट था उसका देख लेते हैं, प्लांट एट ऑन साइट का, यहाँ पे प्लांट एट साइट ये कितना बच गया प्लांट, देखिए 4 लाख का प्लांट खरीदा हुआ था जिसमें से 1 लाख रिटर्न हो चुका, तो अब बचा 3 लाख का ना, तो 3 लाख बचा, और इस 3 लाख के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे कि पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो इसमें से 25% डायरेक्ट यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो चलिए माइनस करते हैं 3 लाख में से 25%, तो ये आ गया 2,25,000, ये लिख देंगे हम लोग 2,25,000 प्लांट के बदले, तो ये हो गया हम लोग के पास। आगे दे रखा वर्क सर्टिफाइड 22,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय WIP जिसमें वर्क सर्टिफाइड जो कितना हो जाएगा 22,50,000, ये आ गया। फिर इसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ क्या अनसर्टिफाइड का जो 25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड जो है 25,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25,000 अनसर्टिफाइड का भी हो गया। फिर लास्ट में हम लोग के पास बोला था मटेरियल एट साइट जो 82,500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट जो है 82,500 का, और तो हम लोग के पास सम्स में कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे इसे क्लोज कर देंगे, तो चलिए क्लोज करते हैं और देखते हैं कि नोशनल प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। ठीक है, 87,500 प्लस 2,25,000 प्लस में 22,50,000 प्लस में 25,000 प्लस 82,500, ये कितना आ गया हम लोग के पास 26,70,000 का, ये हम लोग के पास टोटल में आ चुका है। और डेबिट साइड में कितना आ चुका है, तो डेबिट साइड में हम लोग के पास आ रहा है 776,250 प्लस में 492,500 प्लस में 4 लाख प्लस 235,000, तो ये हम लोग के पास जो है वो आया 19 लाख का सिर्फ, तो डिफरेंस, तो ये तो हम लोग के पास टोटल में तो यही लिखना होगा 26,70,000 दोनों ही साइड, जो डिफरेंस हम लोग के पास आएगा वो आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर के आएगा, जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो माइनस कर रहे हैं 26,70 में से, तो ये हम लोग के पास आ गया 776,250, ये हम लोग के पास क्या आ चुका नोशनल प्रॉफिट आ चुका। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जो हम लोग का फर्स्ट नंबर पे रिक्वायर्ड था कॉन्टैक्ट अकाउंट वो हम लोग बना चुके हैं 2019 and 20 के लिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2019 and 20 के लिए कॉन्टैक्ट अकाउंट हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 में किए हैं, जितना भी कॉस्ट था वो सारा पिछले साल का प्लस में इस साल को ऐड करने के बाद, तो या तो हम लोग इस तरह से ऐड करके निकाल सकते हैं, या अगर चाहेंगे तो हम लोग कॉन्टैक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर का होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए, नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड कॉन्टैक्ट अकाउंट होगा वो भी हम लोग बना सकते हैं, उससे भी हम लोग नोशनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग को इस मेथड से बनाना होगा तो इस मेथड से भी बना सकते हो, और नेक्स्ट वाली जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को उस तरह से बना सकते हो, बुक में दोनों ही मेथड से दे रखा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दे रखा हुआ था उस वाले मेथड से, इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, ये जो मैं अभी बताने वाला उस मेथड से दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिख दीजिए, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी यहाँ पे कॉस्ट होता है उस सारे कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू मटेरियल इशूड में कितना आने वाला है, तो देखिए पिछले साल का जो हम लोग के पास गिवेन था वो कितना था 776,250, तो यहाँ पे लिख दीजिए 776,250 का, और इस साल जो यहाँ पे दे रखा हुआ उनके पास सम्स में जो एस्टिमेटेड लगने वाला है वो 12,99,375, यहाँ पे 12,99,375 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से मेटल इशू में कितना आ जाएगा, तो 776,250 प्लस में 12,99,375, तो ये हम लोग के पास आ गया 20,75,625 का, ये हम लोग के पास आ चुका है मेटेरियल इशूड का। अब देखिए मेटेरियल इशूड का हम लोग के पास आ चुका है, अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो है वो वेजेस का आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस,
पिछले साल का पहले हम लोग वेजेस लिख लेते, तो पिछले साल का हम लोग के पास वेजेस कितना था, 517, 517, 517, 500, ये वेजेस था इसमें से, और हम लोग प्रीपेड को माइनस कर देते थे जो 37,500 का था, और इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे, क्या ऐड किए थे, तो जो आउटस्टैंडिंग था जो कितना था 12,500 का हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग का गिवेन था, ठीक है, ये हम लोग के पास पिछले साल का था। अब इस साल में देख लेते हैं कितना दे रखा हुआ है, तो इस साल में हम लोग के पास जो वेजेस पेड था वो कितना था, तो वो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 6,187,550, तो चलिए लिखते हैं हम लोग, प्लस 6,187,550 जो हम लोग के पास क्या हो गया इस साल का हो गया, और इस साल का जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ 5,750, तो इस साल का हम लोग आउटस्टैंडिंग 5,750 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग होता है इस साल का, और प्रिपेज तो हम लोग के पास इस साल का था नहीं जो हम लोग माइनस करेंगे, बट सोचिए जो आउटस्टैंडिंग हम लोग के पास गिवेन था, जो आउटस्टैंडिंग हम लोग के पास पिछले साल का था 12,500, तो उसे तो हम लोग पिछले साल में कंसिडर कर लिए थे, बट इस साल जो पेमेंट किए तो उसमें तो हम लोग आउटस्टैंडिंग वाले को पेमेंट किए होंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था उसका पेमेंट हम लोग इस साल किए होंगे, तो उस वाले पेड में आ गया होगा, तो हम लोग को इसका डबल इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, तो बट डबल इफेक्ट तो हमको लेना नहीं है, तो हम लोग को जब डबल इफेक्ट नहीं लेना है तो इसे हम लोग क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो माइनस हम लोग कर देंगे 12,500 जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। अब इसी तरह से प्रीपेड का सोचिए, प्रीपेड का तो हम लोग नहीं, पिछले साल का जो पेड पेमेंट हुआ था, जो प्रीपेड वाला था पोर्शन जो पेमेंट हुआ था वो पेमेंट में यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो पेमेंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करके उसे माइनस कर देते प्रीपेड में, और प्रीपेड जो था प्रीपेड वाला जो यहाँ पे एक्सपेंस था वो तो इस साल का होता, इस साल में तो हम लोग कंसीडर नहीं किया अभी तक में, पिछले साल में से तो माइनस कर दिया बट हम लोग इस साल में कंसीडर नहीं किए, तो हम लोग को तो करना तो है ना कंसीडर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 37,500 को यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा वेजेस का आ जाएगा। सिंपली समझ लीजिए कि जो करेंट ईयर का होता है वो करेंट ईयर का हम लोग को लेना ही है, जो हो गया पेड का हो गया प्लस में आउटस्टैंडिंग माइनस जो भी होगा प्रीपेड वाला वो हम लोग माइनस करके लिखते थे, ये तो लिखेंगे ही, फिर जो फ्यूचर में लगने वाला वो भी हम लोग लिख देंगे, और जो हम लोग का आउटस्टैंडिंग होगा पिछले साल का उस साल में हम लोग ऐड किए थे तो इस साल में माइनस करेंगे, और प्रीपेड वाला माइनस करते थे तो हम लोग इस साल में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और जो हम लोग का नेट अमाउंट होगा वही क्या हो जाएगा वेजेस कंज्यूम्ड वाला एक्चुअल में वेजेस दोनों साल का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, तो 517,500 इसमें से माइनस करेंगे 37,500, फिर हम लोग प्लस करेंगे 12,500 को, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 6,187,500 को, फिर हम लोग प्लस करेंगे 5,750 को, फिर हम लोग माइनस करेंगे 12,500 को, फिर प्लस करेंगे 37,500 को, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आया वो कितना आ गया, तो 11,42,000, यहाँ पे वेजेस में कितना आ जाएगा 11,42,000 का हम लोग के पास क्या आ गया वेजेस का अमाउंट आ गया। तो ये समझने में आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को सिंपली कंसिडर करना है जो पिछले साल का होगा वो हो गया पेड का प्लस में आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड, इस साल का पेड का प्लस में आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड, और पिछले साल का जो हम लोग के पास प्रीपेड था जो हम माइनस किए थे तो इस साल हम लोग को ऐड करना है, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग के साथ जैसे प्लस किए थे तो इस साल हमको माइनस करना है, तो बस इतना ही आप लोगों को करना है सिंपली, ठीक है, ये हो गया वेजेस का। वेजेस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा होता, प्लांट का दे रखा होता, यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू प्लांट का, तो प्लांट का टोटल में हम लोग के पास कितना कंज्यूमशन का दे रखा होता, ये 4 लाख का दे रखा होता, तो 4 लाख का प्लांट का यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये प्लांट का हम लोग के पास हो गया। प्लांट के बाद हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ, तो यहाँ पे टू एक्सपेंस का, एक्सपेंस का हम लोग लिख देंगे जो पिछले साल का भी था प्लस में इस साल का भी, तो एक्सपेंस में 225,000 प्लस 25,000, तो यहाँ पे 2,25,000 प्लस 25,000 था, फिर इसमें से जो माइनस था वो कितना था 15,000, तो माइनस कर देंगे हम लोग 15,000, और जो इस साल का है उसे भी हम लोग को कंसिडर करना है, तो इस साल का हम लोग के पास जो एक्सपेंस है वो 375, और इसमें हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 10,000 को, और पिछले साल वाला जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग था उसे हम लोग माइनस कर देंगे इस साल, और जो हम लोग के पास प्रीपेड था उसे हम लोग प्लस कर लेंगे इस साल, और इसके बाद हम लोग का एक्सपेंस आ जाएगा जो आ जाएगा 2,25,000 प्लस 25,000, फिर माइनस करेंगे 15,000 प्लस 375,000 प्लस 10,000, फिर माइनस करेंगे 25,000 प्लस करेंगे 15,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 6,10,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंस में 6,10,000, ये हम लोग के पास एक्सपेंस में आ चुका। अब एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, वर्क सर्टिफाइड का दे रखा हुआ है ना, तो ये हम लोग के पास वर्क सर्टिफाइड का, तो वर्क सर्टिफाइड का तो हम लोग को लिखना नहीं होता वो हम लोग कंसिडर करेंगे। अब एक्सपेंस वाले में हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं
राइट साइड में। तो सबसे पहले मटेरियल एस साइड में कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल एस साइड में हम लोग के पास जो बचा हुआ है ये 42,500 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय मटेरियल एट साइट जो है 42,500 का, ये 42,500 का हम लोग के पास मटेरियल एट साइट बच गया इस साल में, ठीक है। एंड उसके बाद प्लांट का भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे बाय प्लांट का कंसिडर करेंगे, तो प्लांट में हम लोग के पास जो पिछले साल का जो दे रखा हुआ था वो 87,500 आ जाएगा 1 लाख वाले में से, यहाँ पे 1 लाख वाले में से हम लोग के पास आ जाएगा 87, फर्स्ट वाले में लिख देता हूँ 87,500 हम लोग के पास 1 लाख वाले में से आ जाएगा जो ये दे रखा हुआ है। एक्चुअल में जब हम लोग प्लांट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 87,500, ठीक है। अब इस साल वाले में से ये हम लोग के पास कितना आने वाला है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग बाय प्लांट टू वाले में देखेंगे। अब इसमें हम लोग के पास अमाउंट कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग वहाँ पे 87 लिख चुके हैं 500 का, और उसके बाद जो हम लोग के पास जो प्लांट एट साइट पे था वो कितने का था, तो ये हम लोग के पास जो बचा हुआ था वो 2,25,000 का ही बचा था, बट उसमें से हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो यहाँ पे 2,25,000 में से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25%, जो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करना है, जो अगर इस साल देखा जाएगा तो यहाँ पे जो हम लोग का चार्ज किया जाएगा तो 25% जो फॉर 6 मंथ, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2,25,000 का 25% डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग के पास आ गया 28,125। तो हम लोग के पास जो प्लान का जो वैल्यू आ जाएगा उसमें से कितना 28,125 का ये हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो इस साल का आया, और पिछले साल का हम लोग के पास जो डेप्रिसिएशन था वो तो था ही। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्लांट हम लोग के पास जो वैल्यू बचा वो 3 लाख का, पहले 1 लाख का तो हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं, जो 1 लाख वाला प्लांट था वो तो हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं यहाँ पे 87,500। अब जो बचा यहाँ पे 4 लाख में से वो कितना बचा 3 लाख। अब इस 3 लाख में से पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना और इस साल का भी हम लोग का डेप्रिसिएशन माइनस करना, और पिछले साल का डेप्रिसिएशन कितना था, तो 3 लाख का सीधा डायरेक्ट हम लोग 25% किए थे जो हम लोग के पास आ गया था, तो 3 लाख का 25% डेप्रिसिएशन कितना हो गया, तो 3 लाख का 25% डेप्रिसिएशन हम लोग के पास आ गया था 75,000, पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना, और इस साल का भी तो डेप्रिसिएशन था ना, और इस साल का डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन में 2,25,000 हम लोग के पास वैल्यू था इस साल जो आता, और उस पे 25% 6 मंथ के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे 2,25,000 का 25% जो हम लोग निकालेंगे 6 मंथ्स दैट इज डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 28,125, और इस दोनों अमाउंट को माइनस कर दीजिए 3 लाख में से, तो कितना आ जाता है 75,000 माइनस 28, ये हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया प्लांट में 196,875। एक बार आप लोग प्लांट का फिर से देख लीजिए, देखिए डेप्रिसिएशन जो हम लोग इस साल का अगर निकालें 6 महीने का, तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,25,000 का 25% इंटू 6/12। ये कैसे आएगा, क्योंकि जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस था उसी पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस साल का, ये हो गया। अब देखिए प्लांट जो हम लोग के पास प्लांट यहाँ पे 4 लाख का लिखे, तो 4 लाख का तो हम लोग लिख चुके हैं, अब इसमें से 1 लाख का पहले कंसिडर कर चुके हैं, तो अब हम लोग के पास जो प्लांट बचा वो कितने का बचा 3 लाख का बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का। इसमें से पिछले साल का डेप्रिसिएशन 75,000 था, कैसे, तो 3 लाख का 25% के, तो हम लोग के पास 75,000, और इस साल का डेप्रिसिएशन 28,125, तो इस तरह से हम लोग के पास प्लांट जो वैल्यू बचा वो 96,875 का बच चुका है, ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाय WIP वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वाला पोर्शन, बट यहाँ पे जाकर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो ये है 49,21,875, तो यहाँ पे लिखे 49,21,875 का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और तो हम लोग के पास कुछ नहीं है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब हम लोग का यहाँ पे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बन जाता है, तो उस टाइम में कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट करके हम लोग पूरे प्राइस ही लिखते हैं, ना कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वाला पोर्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, डेबिट बैलेंस आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला एस्टिमेटेड, यहीं पे क्रेडिट बैलेंस आता तो हम लोग के पास लॉस आने वाला, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 42,500 प्लस में हम लोग ऐड करेंगे 87,500 प्लस 196,875 प्लस में 49,21,875, तो ये हम लोग के पास जो आया ये कितना है 42,48,750 ये हम लोग के पास आ चुका। अब डेबिट साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2,075,625 प्लस में 11,42,000 प्लस में 4 लाख प्लस में 6,10,000
ये जो हम लोग के पास है 42 लाख, मतलब इस साइड में कम था तो यहाँ पे दोनों ही साइड में आ जाएगा 52,48,750। अब इसमें माइनस करेंगे 48 और 750, तो जो हम लोग के पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आने वाला है वो कितना 110,21,125 का हम लोग के पास क्या आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज में भी बना सकते थे, तो आप लोग को जैसे भी बनाना है उस तरह से आप लोग बना सकते हो। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो हम लोग के पास कौन सा चैप्टर दे रखा हुआ था, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।